फिर भी देखिए तीन लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। उठाया क्यों जा रहा है सर गाड़ी में? देखिए अरे मैडम किस रूम में क्या बताइए ना, किसके रूम में रुका सर आप, किस राइट के हिसाब से सर आप बैठे? गंभीर आरोप था ना, वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करने दे, क्या दिक्कत है, उठ जाएंगे आप, बंद करवा दो, कोई बात नहीं, बंद बताओ कौन सा जुर्म? हमारे साथ रहिए, सौ सौ करोड़ आबादी के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, हमारे लोग चाहे गोली मारो चाहे थाने में बंद करो, ये कानून हम लागू करवा के रहेंगे। राइट टू चेक, राइट टू डिफेंड, कुछ भी होता हम लोगों के साथ, इसके लिए धन्यवाद दिल्ली पुलिस को। दोनों साई सरकार है, दोनों साई सरकार है, भारत माता की जय, भारत माता की देखिए यहाँ पर महापरिवर्तन जन आंदोलन चल रहा है और पुलिस के द्वारा यहाँ पर हटाया जा रहा है इन्हें। देखिए देखिए यहाँ पर हटाया जा रहा है पुलिस द्वारा। ये तस्वीरें आपको दिल्ली के जंतर मंतर से हम दिखा रहे हैं सच्ची खबरों पर इस वक्त। परमिशन की कह रहा हूँ मैं, बैठना चाहता हूँ, बैठो परमिशन लेकर बैठो, आप परमिशन देते ही नहीं हो, आप कह रहे हो परमिशन, आप वहाँ जाते हो भगा दोगे आप परमिशन कहाँ देते हो, बताओ किसको दिया आपने परमिशन, कोई परमिशन दिखाया आप, कोई तो परमिशन आप देते नहीं हो कंटिन्यू बैठने का, जबरदस्ती कर रहे हो आप मुझे दबाना चाह रहे हो, आपके पास पावर है तो कुछ भी करोगे सर, ठीक है सवाल का जवाब अब बैठने दो मुझे, ड्रामा करना अच्छा नहीं होता, कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूँ मैं, पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो, पब्लिक को सर बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ, पब्लिक को कोई बेवकूफ नहीं बना रहा, पब्लिक को आप लोग बेवकूफ बना रहे हो, आपसे बात नहीं करूँगा, जो हमसे बात कर सके उसको भेजिए ना, पब्लिक को हम बेवकूफ बना रहे हैं, ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं, अपनी बात तो रखें, दो तरह की व्यवस्था क्यों है एक ही जगह, एक ही जगह दो तरह की व्यवस्था क्यों है, कोई कोई कंटिन्यू बैठ सकता है, मैं क्यों नहीं बैठ सकता, मैं कोई उन बात तो नहीं फैला रहा हूँ, मेरे पास तो बड़ा बड़ा लाउड स्पीकर नहीं है यहाँ लगा हुआ, मैं तो कोई मैं इसके द्वारा क्यों हटाया जा रहा है, पैदा कर रहा हूँ क्यों नहीं बैठेंगे, मैं जनता के लिए चल रहा हूँ और आपके लिए चल रहा हूँ, आज मैं अगर झुक गया तो आपका भविष्य खतरे में आएगा, भारत की राष्ट्रपति कहाँ थी, महिला है, मैं महिला हूँ, नक्सलियों के बीच में थी तब मेरी सुरक्षा क्यों नहीं की गई? था सुरक्षा, चिल्ला चिल्ला के भीख मांगी सुरक्षा की रोते हुए कि बचा बच्चे को लेकर के, विनम्रता पूर्वक बहुत धैर्य से बहुत शीलता से हमने इन्हें आग्रह किया है, ठीक है, और ये बहुत बड़ा आंदोलन है, हम पैदल चल के आए हैं और झुकने वाले नहीं है, कहाँ से आए हो आप? हम लोग बिहार से चले हैं पैदल, तीन महीने से पैदल चल के यहाँ पहुँचे हैं और ये हमें रोज झूठ बोलते हैं, क्या कहा जा रहा है पुलिस द्वारा, क्या कहा जा रहा है पुलिस द्वारा, वो कह रहे हैं कि जो आप ऑर्डर ले लीजिए, कंटिन्यू बैठने का ऑर्डर देते है ही नहीं लोग किसी को, कहाँ से आपने कहाँ से ऑर्डर लेने को बोल रहे हैं, ये धमकी है, धमकी दे रहे हैं हमें, कहाँ से ऑर्डर लेने का बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि डीसीपी से ऑर्डर लीजिए, यहाँ कोई ऑर्डर नहीं देता हम, डीसीपी से आपकी बात, डीसीपी ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, लोगों से पूछ रहा हूं मैं कि कैसे परमिशन मिलेगा कंटिन्यू का, ये देते ही नहीं है कंटिन्यू का परमिशन, यहाँ बोला जाता है कि आप जबरदस्ती बैठो, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बैठूंगा, तो इनका कहना है कि एक समय सीमा है उसका आपने लांग, क्या समय सीमा, समय सीमा तो सोने का भी है, भारत वही है ना, क्या समय सीमा है, फालतू का बात नहीं किया ना, तो जेपी आंदोलन कैसे हो गया, इतना बड़ा आंदोलन कैसे हो गया, निर्भया कांड आंदोलन कैसे हो गया, किसान आंदोलन कैसे हो गया, सीएनआरसी आंदोलन कैसे हो गया, आप लोग मजबूर करते हैं कानून को हाथ में लेने के लिए, आज आप हमें परमिशन नहीं दे रहे, हम बैठ रहे हैं, अब आप झूठे हमारे ऊपर केस लगा दोगे। देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन आया हुआ है, मिलिट्री फोर्स है, आप तस्वीरों में जैसे देख सकते हो, इस यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और इस धरना प्रदर्शन को यहाँ हटाने के लिए यहाँ पर पुलिस और मिलिट्री के जवान हैं कि इस धरने की जो परमिशन है वो यहाँ पर कहना है कि नहीं दी गई है, पुलिस प्रशासन है, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि सर आपसे बात, अभी आप धरना प्रदर्शन हटा रहे थे सर, आपसे बात कर सकते हैं 5 मिनट से, बात मत करो, दूर भाग रहे हैं, मैं ठेकेदार ना हूं, मैं बात करने का टाइटल नहीं हूं, चले से मैं टाइटल हूं बात करने का, अरे चलिए चल रहे हैं, जो जो टाइटल है उनसे बात करो, पैदल
तो पुलिस प्रशासन से हमने बात करने की कोशिश की, पर पुलिस का कोई जवाब नहीं है। उनका जो बोल है वो बहुत ही तीखा था। और यहाँ पर आप देख सकते हो इनका 3 लोग हैं जो धरना प्रदर्शन में है, एक छोटी सी बच्ची है और एक महिला है, एक पुरुष है। और पुलिस प्रशासन द्वारा इनको हटाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही थी। 2 दिनों से ये लगातार जंतर मंतर पर है, जैसे हम देख रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। कितने दिनों से आप यहाँ पर हैं? हम लोग 2 दिनों से यहाँ पर हैं। अच्छा, पुलिस प्रशासन क्या कह रहा था, अब क्यों हट रहा है? जबरदस्ती कर रहे हैं, CBI ये IDA पता नहीं क्या क्या मुझे धमकी दे रहे हैं कि चलो उठा लेंगे, वहाँ ले चलेंगे। कभी कह रहे हैं कि रामलीला मैदान में चलो जगह देते हैं। मैंने कहा आप लिखित में मुझे दे दो ऑर्डर, बिठा दो मुझे रामलीला मैदान में, आप जगह दे दो। तो ये हमें यहाँ से हटा करके इस बड़े आंदोलन को कुचलने की साजिश है। ये नहीं चाहते हैं कि जन जागृति हो और जनता के फेवर में ये कानून आए। ये भ्रष्टाचार के विरोधी है, ये सपोर्टर है, सॉरी, ये सपोर्ट करते हैं भ्रष्टाचार को। ये नहीं चाहते कि देश से भ्रष्टाचार खत्म हो, जबरदस्ती उठाया जा रहा है। यहाँ पर 2 दिनों से धमकी दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर 2 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है और इनका जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि 2 दिनों से ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पैदल चलकर आए हैं बिहार से। और 3 कानून जो है यहाँ पर पोस्टर पे आप देख सकते हो, जो लगाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं कि ये 3 कानून हैं वो आने चाहिए। मेरी और ये 100 करोड़ आबादी के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अभी वो लेडीज सुनी हाँ सर, हाँ तो हमारे साथ है। कुछ भी करो नहीं करके। अरे इनका अलग, देखिए गाड़ी में जगह नहीं है, ये तो अलग। देखिए 3 लोग है, फिर भी देखिए 3 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। उठाया क्यों जा रहा सर गाड़ी में? देखिए मैडम किस रूम में क्या बताइए ना, किसके रूम में रहता आप, किस राइट के हिसाब से? गंभीर आरोप था ना, वो अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, करने दे, क्या दिक्कत है, उठ जाएंगे आप, बंद करवा दो, कोई बात नहीं। बंद बताओ कौन सा जुर्म है? हमारे साथ रही है, हमारे साथ रही है। 100 करोड़ आबादी के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। हमारे चाहे गोली मारो, चाहे थाने में बंद करो, ये कानून हम लागू करवा के रहेंगे। राइट टू चेक, राइट टू डिफेंड, कुछ भी होता है हम लोगों के साथ। इसके लिए धन्यवाद दिल्ली पुलिस को। दोनों साइड सरकार है, दोनों साइड सरकार है। भारत माता की जय। भारत माता हम मिल रहे हैं। मेरी बेटी कहाँ है? यहीं पे, मेरी बेटी यहीं पे, यहीं यहीं, ये रही ये रही, ये आ गई, आ गई मैडम, मेरी बेटी, मैडम मेरी बेटी। देखिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाया जा रहा है इन्हें जबरदस्ती। उनका ठीक है, वो गुस्से में ताऊ में आगे।
जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए सर, जवाब दीजिए सर, सर जवाब दीजिए सर, सर देखिए सर आप ऐसा नहीं कर सकते, जवाब देना पड़ेगा आपको सर, आप जवाब दीजिए सर, सर जवाब दीजिए, देखिए जबरदस्ती यहाँ पर डाला जा रहा है गाड़ी में, जहाँ पर जगह नहीं है उस जगह में गाड़ी में इन्हें जबरदस्ती भरा जा रहा है, गाड़ी में जगह नहीं है। और देखिए इंजेक्शन होना चाहिए, कोई अधिकारी क्या सर, क्यों किया जा रहा है अस्पताल में, सर जुर्म कर रहे हैं समझ में आ रहा है, मैं कह रहा हूँ जिस तरह से इनको उठाया है कुलभूषण जी को उठाए, वहाँ पे चल रहा है आपका नाम क्या हुआ, बंदर को दी हल्दी कुल मिला के गलत हाथों में सत्ता चली गई है, अब ये यही चलेगा, इसका जवाब 2024 में मिलेगा, मोदी सरकार को 2024 में मिलेगा हमें।